हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, लगभग सारे कॉलेजेस स्टार्ट हो गए हैं और कुछ कॉलेजेस में तो ट्रांजिशनल करिकुलम भी एंड हो गया है। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए, आपकी अब मेन पढ़ाई भी स्टार्ट होने वाली है, तो मैं आपके कॉलेज के साथ साथ ही आपको क्या करते चलूँ, लेक्चर डिलीवर करते चलूँ। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए हम एनाटॉमी का जो टॉपिक है, ऑस्टियोलॉजी टॉपिक, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ऑस्टियोलॉजी में भी आज मैं आपको सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो कौन से बोन है, ह्यूमरस बोन है। ठीक है, तो आज हम ह्यूमरस बोन को डिटेल में देखेंगे और आपको इसके नोट्स जो है वो कहाँ पर मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल @ayurvedawings, वहाँ पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको क्या करना है, बस ध्यान से वीडियो को देखना है, नोट्स की टेंशन मत लीजिए। नोट्स आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 850 प्लस मेंबर्स यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं, तो अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो उसे आप फटाफट ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ध्यान से लेक्चर को सुनना पड़ेगा। आपको नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है, एकदम डिजिटल नोट्स, यही जो हैंड रिटन नोट्स है। देखिए आप, इस तरह से मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, देखिए एकदम बेस्ट नोट्स आपके लिए मैं बनाकर लाया हूँ। तो यही जो नोट्स है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आपसे डाउनलोड कर देना। आपको सिर्फ ध्यान से लेक्चर सुनना है। अब मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपने अगर मेरा अनादर यूट्यूब चैनल @ayurvedawings उसे ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, सारे जो ऑनलाइन क्लासेस से रिगार्डिंग जितने भी लेक्चर है वहाँ पर अपलोड करूंगा। और ये जो चैनल है कौन सा, अमन जायसवाल चैनल, हालांकि इस चैनल को मैं अभी दोनों जगह अपलोड कर रहा हूँ, अमन जायसवाल पर भी और आयुर्वेदा विंग्स पर भी, लेकिन पूरी जो ऑस्ट्रोलॉजी का सीरीज है वो कहाँ पर आने वाला है, आयुर्वेदा विंग्स जो चैनल है मेरा उस पर आने वाला है। तो उसे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अब से डेली आपको वहाँ पर एक ना एक लेक्चर मिलेगा, है ना। तो आप क्या करिए, उसे ज्वाइन कर लीजिए और जो भी मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ उसे आप ध्यान से देखिए, और नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। बस आपका सिर्फ एक ही काम होना चाहिए कि मैंने जो भी लेक्चर अपलोड किया उसे आप देखिए और नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास सेव कर लीजिए, ठीक है। और ये जो चैनल है अमन जायसवाल चैनल, इस पर मैं काउंसलिंग से रिगार्डिंग, आयुष से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है, जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती है, चाहे वो स्कोप से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब वगैरह, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपको इस चैनल पर मिलेगी। मैंने अनादर चैनल इसलिए बनाया ताकि आप क्या हचपोच ना हो, आपको क्या करना पड़े, लेक्चर को ढूंढना ना पड़े। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको सारा कंटेंट पढ़ाई का वहाँ पर मिल जाएगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो आपके लिए क्या हो जाएगी, चीज़ें आसान रहेगी ढूंढना, ठीक है। इसलिए मैंने इस तरह से फिर क्या किया, प्लान किया कि चलो एक अनादर चैनल बनाते हैं, कौन सा, आयुर्वेदा विंक्स करके, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है, 300 मेंबर्स वहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर सारे जो लेक्चर्स हैं वो वहीं पर अपलोड किए जाएंगे पढ़ाई से रिलेटेड। BHMS वालों के लिए भी वहाँ पर मैं सीरीज लाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप भी अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आप टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम हमारे टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कौन सी बोन, ह्यूमरस बोन। तो ये जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है ना, या आप यहाँ पर देखिए, रंगीन पिक्चर देखिए, आप ग्राफ्स करने में क्या मज़ा आता है, रंगीन पिक्चर देखते हैं, देखिए आप। तो ये कौन सी बोन है, ह्यूमरस बोन है, कौन सी बोन है, ह्यूमरस बोन, है ना। इसे हम मॉडर्न में क्या बोलते हैं, लॉन्ग बोन। और आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में इसे क्या बोला जाता है, प्रकंडा अस्थि, या इसे हम क्या बोलते हैं, नलक अस्थि भी बोलते हैं, क्योंकि ये नल के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, नलक अस्थि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नलक अस्थि, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखाई दे रही है सामने, ह्यूमरस बोन दिखाई दे रही है। अब मैं आपको ह्यूमरस बोन का एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि इसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमरस बोन एक तरह की लॉन्ग बोन होती है, तो जनरली जितनी भी लॉन्ग बोन होती है उसमें आपको तीन पार्ट दिखाई देते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपके लिए ये जो ह्यूमरस बोन का मॉडल भी लाया हूँ, देखिए आप, ये क्या है, ह्यूमरस बोन है, देख रहे हैं आप, कुछ इस तरह से आपको ह्यूमरस बोन दिखाई देती है, ठीक है। कैसे पहचान लेते हैं कि ये ह्यूमरस बोन है, तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ ध्यान से देखते जाइए कि इसमें क्या क्या पार्ट प्रेजेंट होता है। अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि हाँ, ह्यूमरस बोन में ये पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी लॉन्ग बोन होती है उसमें आपको तीन पार्ट दिखाई देते हैं, कौन कौन से तीन पार्ट, एक तो क्या होता है आपको अपर एंड, ये क्या है, अपर एंड है, ठीक है, ये पूरा जो है ये क्या है, अपर एंड है ना, इससे बताता हूँ, ये क्या है, अपर एंड है, है ना। दूसरा आपको क्या दिखाई देता है, साफ्ट, ये क्या हो जाएगा आपका, साफ्ट है, है ना। और तीसरा आपको लोअर एंड, ये क्या होता है, लोअर एंड, ठीक। अगर आप ह्यूमरस बोन के अपर एंड को देखेंगे तो अपर एंड जो होता है इसका कैसा होता है, राउंडेड होता है,
ठीक है, ये देखिए आप राउंडेड होता है, और यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है, हेड प्रेजेंट होता है, ये क्या हेड है ना। फिर आपको यहाँ पर उभरा हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है लेटरल साइड पर, इसको हम ग्रेटर ट्यूबरकल बोलते हैं, और एंटीरियर साइड पर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, लेजर ट्यूबरकल, ये ग्रेटर ट्यूबरकल है और ये लेजर ट्यूबरकल। इन दोनों के बीच में आपको एक नाली दिखाई दे रही है, ग्रू दिखाई दे रही है, बाइसिपिटल ग्रू, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटर ट्यूबरकल सर्कस। ये देखिए ये क्या है, इंटर ट्यूबरकल सर्कस। उसके बाद आपको यहाँ पर ये नेक दिखाई दे रही है, देखिए हालांकि ये देखिए थोड़ा पास में बताता हूँ मैं, ये देखिए ये क्या है, एनाटोमिकल नेक, ये तो दिखाई दे रही है एनाटोमिकल नेक। और ये जो एनाटोमिकल नेक का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करती है, हेड को बाकी जो पोर्शन होता है अपर एंड का उसे सेपरेट करती है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्जिकल नेक, ये हालांकि दिखाई नहीं दे रही है, प्रोमिनेंट नहीं होती है, लेकिन ये क्या दिखाई दे रही है, सर्जिकल नेक होती है। और सर्जिकल नेक जो होती है क्या करती है, अपर एंड को शाफ्ट से सेपरेट करती है ना। और सर्जिकल नेक के 0.5 सेंटीमीटर एबो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देती है, मॉर्फोलॉजिकल नेक दिखाई देती है। तो इस तरह से आपको अपर एंड में क्या क्या दिखाई देता है, हेड दिखाई देता है, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेदर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकल सल्कस, एनाटोमिकल नेक, और फिर सर्जिकल नेक। और सर्जिकल नेक के 0.5 सेंटीमीटर एबो आपको क्या दिखाई देती है, मॉर्फोलॉजिकल नेक दिखाई देती है। ठीक है, अभी आप ध्यान से सुनते जाइए, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक, उसके बाद आप शाफ्ट देखिए, शाफ्ट में हम बात करते हैं, तो शाफ्ट को जब आप क्या करोगे, आप आपके कॉलेज में एनाटॉमी लैब में जाना, ह्यूमरस बोन को उठाना, कैसे देखते हैं, कैसे पहचानते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो उसको उठाना और एक बार शाफ्ट को देखना, तो उसका जो शाफ्ट जो है अपर हाफ आपको कैसा दिखाई देगा, राउंडेड दिखाई देगा। फिर जैसे जैसे आप धीरे हाथ फेरते आएंगे तो आपको इसका जो लोअर पार्ट है वो कैसा दिखाई देगा, ट्रेंगुलर दिखाई देगा, है ना। तो अपर हाफ पार्ट जो होता है राउंडेड, और नीचे आएंगे तो लोअर हाफ पार्ट जो होता है ट्रेंगुलर आपको दिखाई देगा। ठीक है, फील होगा आपको, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको तीन बॉर्डर दिखाई देती है, कौन से तीन बॉर्डर, ये देखिए ये है एंटेरियर बॉर्डर, ये कौन से बॉर्डर है, मिडल बॉर्डर, देखो ये सब सामने, ये सामने क्या, ये आपके क्या है, एंटेरियर बॉर्डर है ना। उसके बाद ये आपके क्या है, मीडियल बॉर्डर है, और ये क्या है, लेटरल बॉर्डर है। इस तरह से क्या होती है, यहाँ पर लेटरल बॉर्डर होती है। तो इस तरह से यहाँ पर तीन बॉर्डर दिखाई देती है और तीन सरफेस दिखाई देती है। तो एंटेरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में एंटेरो लेटरल सर्फेस, ठीक है, एंटेरियर बॉर्डर, मिडल बॉर्डर के बीच में एंटेरो मीडियल सर्फेस, है ना, और मीडियल बॉर्डर और ये जो लेटरल बॉर्डर है इसके बीच में आपको पोस्टेरियर सर्फेस। इस तरह से यहाँ पर तीन सर्फेस और तीन बॉर्डर पाई जाती है। उसके बाद आप देखेंगे लोअर एंड, तो लोअर एंड जो होता है इसका कैसा होता है, फ्लैटन एंड एक्सपांडेड होता है साइड टू साइड। देखिए आप, ये फ्लैटन है और एक्सपांडेड है साइड से, ये एक्सपांडेड है साइड टू साइड से, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या पाए जाते हैं, दो पार्ट पाए जाते हैं, आर्टिकुलर पार्ट, नॉन आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर पार्ट की बात करते हैं, कैपिटुलम आर्टिकुलेट करता है किससे, हेड ऑफ रेडियस से, राउंडेड होता है। उसके बाद आपको पुली शेप का यहाँ पर ट्रोक्लिया नजर आता है, ये आर्टिकुलेट करता है किसे, ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना से। उसके बाद आपको नॉन आर्टिकुलर पार्ट, तो नॉन आर्टिकुलर पार्ट में पोस्टेरियर साइड पर देखेंगे इसके, ठीक है, पोस्टेरियर साइड पर आपको यहाँ पर देखो ये एक फोसा नजर आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओलीक्रेनोन फोसा। उसके बाद आपको ट्रोक्लिया जो है, ट्रोक्लिया के जस्ट ऊपर आपको एक डिप्रेशन नजर आ रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है आपका, कोरोनोइड फोसा होता है। और कैपिटुलम के जस्ट ऊपर यहाँ पर आपको एक डिप्रेशन नजर आ रहा है, ये देखिए ये क्या होता है आपका, रेडियल फोसा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए ये आपको उभरे हुए पोर्शन नजर आ रहे हैं लेटरल साइड पर, लोअर साइड पर, इसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल एपिकोंडाइल। वैसे यहाँ पर क्या प्रश्न होता है, मीडियल एपिकोंडाइल, और मीडियल एपिकोंडाइल के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर एक रिच नजर आ रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, सुप्रा मीडियल एपिकोंडाइलर रिच। और इधर भी आप देखिए लेटरल एपिकोंडाइल के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर शार्प प्रोमिनेंट रिच नजर आएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल सुप्रा एपिकोंडाइलर रिच, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ह्यूमरस बोन मैंने आपको पूरा एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। चलिए अब इस चीज को आप डायग्राम में भी देखिए, ठीक है, डायग्राम में भी देखिए। चलिए तो डायग्राम तो मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले इसका कुछ जनरल इंट्रोडक्शन जो मैं लिख कर आया हूँ वो आपको बता देता हूँ, ठीक। देखिए तो मैंने क्या बोला कि लोकेशन की अगर हम बात करते हैं, हाँ लोकेशन आपको बता देता हूँ, तो ह्यूमरस बोन जो होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इट इज द बोन ऑफ अपर लिम, ये अपर लिम की बोन होती है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द आर्म, ये देखिए यहाँ पर मिडिल ऑफ द आर्म में, है ना, अपर लिम की ये बोन होती है। क्वांटिटी की बात करते हैं तो दो क्वांटिटी इसकी होती है, एक तो राइट वाले आर्म में और एक लेफ्ट वाले आर्म में, दो ह्यूमरस बोन पाई जाती है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें इसके आर्टिकुलेशन की, तो अपर एंड जो होता है आर्टिकुलेट करता है किसे, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला, और क्या बनाता है, शोल्डर जॉइंट बनाता है। देखिए आप इस तरह से इसका जो अपर एंड जो है, ये अपर एंड जो है यहाँ पर स्केपुला प्रेजेंट होती है, इससे आर्टिकुलेट करता है और क्या बनाता है, शोल्डर जॉइंट बनाता है। और नीचे
नीचे जो होते हैं लोअर एंड जो होती है वो रेडियस और अल्ना से आर्टिकुलेट करके क्या बनाते हैं, ये अपना एल्बो जॉइंट बनाते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग बोन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इसे हम क्या बोलते हैं, नलकास्थि बोलते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन। देखो आपको कैसे, आप कैसे पहचानोगे कि ये आपकी ह्यूमरस बोन है, तो कैसे पहचानेंगे आप, देखिए आप ह्यूमरस बोन को देखेंगे। अब ये लॉन्ग बोन तो है तो इसमें आपको तीन पार्ट नजर आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होगा इसमें, अपर एंड होगा, क्या होगा साफ्ट होगा, और क्या होगा लोअर एंड होगा। तो आप कैसे पहचानेंगे ये ह्यूमरस बोन है, तो आप देखना इसका जो अपर एंड होगा वो कैसा होगा, राउंडेड होगा। ठीक है, अपर एंड कैसा होगा, राउंडेड होगा इसका। ये देखिए आप, जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये बोन नजर आ रही है राउंडेड। ठीक है, उसका लोअर एंड कैसा होगा, फ्लैटन होगा, फ्लैटन एंड एक्सपांडेड फ्रॉम साइड टू साइड, ये फ्लैटन एंड एक्सपांडेड फ्रॉम साइड टू साइड। ठीक है, उसके बाद आप कैसे पहचानेंगे कि किस साइड की बोन है, मतलब ये राइट साइड की बोन है या लेफ्ट साइड की बोन है, तो कैसे आप पहचानेंगे, तो उसको पहचानने के लिए आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर आपको याद रखना है। देखिए कैसे पहचानोगे आप, साइड डिटर्मिनेशन जिसे हम बोलते हैं, साइड डिटर्मिनेशन जो होता है प्रैक्टिकल में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आपके सामने बोन रख देंगे, आपको बताना है कि ये कौन सी बोन है और बताइए किस साइड की बोन है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, साइड डिटर्मिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आप कैसे बताएंगे कि ये ह्यूमरस बोन किस साइड की बोन है, तो आपको क्या करना है, इसके हेड को देखना है। तो इसके हेड को आपको हमेशा किधर रखना है, मीडियल साइड पर रखना है और बैकवर्ड। देखिए ये हेड है, तो इसका हेड जो है वो हमेशा क्या रहेगा, मीडियली, मीडियली मतलब देखिए इस तरह से इसका हेड क्या रहेगा, मीडियली इस तरह से, ये देखिए मीडियली और बैकवर्ड, मीडियली और बैकवर्ड इस तरह से रहेगा। मीडियली देखो ये मीडियल हो गया और थोड़ा सा बैकवर्ड है ना, इसका हेड हमेशा किधर रहेगा, मीडियली एंड बैकवर्ड। ठीक है, दूसरा आपको देखना है इसका ओलिक्रेनन फोसा जो होता है, ये जो ओलिक्रेनन फोसा है ये हमेशा किधर की साइड रहेगा, पोस्टेरियर साइड रहेगा, बैकवर्ड साइड रहेगा। ये देखिए मैंने कर दिया बैकवर्ड है ना, तो क्या देखना आपको, हेड जो होते हैं, हेड जो है वो हमेशा किधर होना चाहिए, मीडियली एंड बैकवर्ड। ओलिक्रेनन फोसा जो है वो डायरेक्टेड बैकवर्ड, ये हमेशा क्या रहेगा, बैकवर्ड रहेगा। उसके बाद आप देखिए आप इसका जो इंटर ट्यूबरकल सल्कस है वो एंटेरियर साइड पर रहेगा, कहाँ पर रहेगा, एंटेरियर साइड पर रहेगा। ठीक है, और तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं है ना। तो मैंने क्या बताया, कैसे आप पहचानेंगे किस साइड की बोन है, तो आपको क्या देखना है, हेड डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड, और ओलिक्रेनन फोसा हमेशा किधर रहना चाहिए, बैकवर्ड प्रोजेक्ट या डायरेक्टेड बैकवर्ड, हमेशा बैकवर्ड साइड रहेगा। ये इसको हम क्या होता है, ओलिक्रेनन फोसा, और ये डायरेक्टेड बैकवर्ड है ना। और आपका जो इंटर ट्यूबर का सर्कस वो कहाँ पर रहना चाहिए, एंटेरियर साइड पर रहना चाहिए। तो इस तरह से आप बता देंगे। तो देखिए जैसे कि मैं बताऊँ ये किस साइड की बोन है, तो देखिए आप मैंने क्या करा, क्या बोला, किसका जो हेड है डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड, तो ये मैंने देखो कर दिया, हेड डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड। ठीक, उसके बाद ओलिक्रेनन फोसा डायरेक्टेड बैकवर्ड, ये मैंने कर दिया, ये ओलिक्रेनन फोसा है डायरेक्टेड बैकवर्ड। ये तो आप मैं बता सकता हूँ किस साइड की बोन है। देखिए आप, तो मैं अगर यहाँ पर लगाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा ये किस साइड की बोन है, ये राइट साइड की बोन है। ठीक है, अगर देखो इसको मैं लेफ्ट साइड पर लगाता हूँ, तो देखिए ये अगर मैं लेफ्ट साइड पर लगाऊंगा तो मैं पहला क्या करा, मैंने हेड जो डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड मीडियली, चलिए ये कंडीशन तो मैंने लगा दी कि हेड जो है वो डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड मीडियली। लेकिन आप देखिए इधर इधर की साइड अगर मैं इस बोन को करता हूँ, जिसका ओलिक्रेनन फोसा जो है वो क्या आ गया, एंटेरियर साइड पर आ गया, और हमने क्या बोला कि ओलिक्रेनन फोसा जो है हमेशा किधर होना चाहिए, पोस्टेरियर साइड पर रहना चाहिए और बैकवर्ड रहना चाहिए, इसीलिए ये इधर की साइड फिक्स बैठ रही है। क्या बोला हमने, सारे पॉइंट इसके फिक्स बैठ रहे हैं। एक तो क्या बोला, हेड जो है डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड, और ओलिक्रेनन फोसा जो है वो हमेशा बैकवर्ड, तो इधर की साइड हम कर रहे हैं तो ये फिक्स बैठ रही है। लेकिन इधर की साइड करते हैं तो चलिए इसको तो मैंने कर दिया, हेड जो है वो मीडियली कर दिया, बैकवर्ड कर दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए आप ओलिक्रेनन फोसा सामने की साइड आ गया, तो सामने की साइड नहीं होना चाहिए, ये कहाँ होना चाहिए, पीछे की साइड होना चाहिए, इसीलिए ये किस साइड की बोन है, राइट साइड की बोन है। तो कैसे पहचानेंगे आप, एक बार फिर आपको बता देता हूँ, हेड जो है वो डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड, मीडियली मतलब टुवर्ड द बॉडी, और ओलिक्रेनन फोसा डायरेक्टेड बैकवर्ड, और इंटर ट्यूबर का सर्कस ये जो ग्रू नजर आ रहा है ना वो एंटेरियर साइड पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस तरह देखो, अब यहाँ पर भी देखो, ये देखो, अब देखो यहाँ पर मैं इधर की साइड रखता हूँ तो इंटर ट्यूबर का सर्कस देखो पीछे की साइड चले गया, तो वो भी गलत है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टेप फॉलो करना है, हेड डायरेक्टेड मिडली एंड बैकवर्ड, ओलिक्रेनन फोसा एंटेरियर साइड पर, और सॉरी इंटर ट्यूबर का सर्कस एंटेरियर साइड पर, और ओलिक्रेनन फोसा बैकवर्ड। ठीक, तो इधर की साइड में रखता हूँ तो सारी चीज़ें फिक्स बैठती है, लेकिन इधर की साइड रखता हूँ तो एक चीज़ फिक्स बैठ रही है, कौन सी, हेड जो है डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड तो जा रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो गया, ओलिक्रेनन फोसा जो है वो आगे आ गया,
और इंटर ट्यूबरकल सर्कल पीछे चले गया। तो इस साइड के बोन नहीं है, एक साइड के बोन है, राइट साइड के बोन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है कि अपर एंड जो है वो राउंडेड होना चाहिए एंड लोअर एंड जो है वो फ्लैटन फ्रॉम साइड टू साइड। तो मैंने आपको बताया अपर एंड राउंडेड होना चाहिए और लोअर एंड जो है क्या होता है फ्लैटन फ्रॉम साइड टू साइड। ठीक, चलिए हेड जो है डायरेक्टेड मिडली एंड बैकवर्ड। हेड जो है वो क्या होता है डायरेक्टेड मिडली एंड बैकवर्ड। ओली क्रेन एंड फोसा डायरेक्टेड बैकवर्ड। तो मैंने क्या बोला ओली क्रेन एंड फोसा डायरेक्टेड बैकवर्ड। ठीक, उसके बाद लेदर ट्यूबरकल जो है प्रोजेक्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द अपर एंड। मतलब ये जो लेदर ट्यूबरकल है ये ऐसा बोल दो कि इंटर ट्यूबरकल सर्कल जो वो एंटेरियर साइड पर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे स्टेप को फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस साइड की बोन है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो ये क्या होती है अपर आर्म की, है ना, अपर आर्म की क्या होती है स्ट्रॉन्गेस्ट या लॉन्गेस्ट बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर आर्म। अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो पूरी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है फीमर बोन होती है। लेकिन अगर आपको पूछे कोई कि अपर आर्म की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है तो आप क्या बोलोगे अपर आर्म की लॉन्गेस्ट बोन जो होती है वो क्या होती है यूबरस होती है। ठीक, चलिए अगर हम पार्ट्स की बात करें जैसे कि मैंने आपको बताया इस चीज को ना दिमाग में फिक्स बिठा लीजिए कि ह्यूमरस बोन में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमरस बोन में क्या क्या पार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें चूंकि ये लॉन्ग बोन होती है तो इसमें आपको तीन पार्ट दिखाई देंगे, अपर एंड दिखाई देगा आपको, साफ्ट दिखाई देगा और आपको लोअर एंड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा अपर एंड दिखाई देगा, साफ्ट दिखाई देगा और लोअर एंड दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगर हम अपर एंड की बात करें तो अपर एंड में आपको हेड पाया जाता है, देखिए आप ये हेड पाया जाता है। उसके बाद एनाटोमिकल नेक पाई जाती है, देखो ये क्या एनाटोमिकल है, देखो ये बताता हूँ ये क्या है आपकी एनाटोमिकल नेक, है ना। उसके बाद आपको सर्जिकल नेक, ये देखिए ये क्या होती है पता है सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक जो होती है क्या करती है अपर एंड को साफ्ट से सेपरेट करती है, अपर एंड को साफ्ट से सेपरेट करती है। ठीक, उसके बाद लेदर ट्यूबरकल, देखिए ये आपका क्या है लेदर ट्यूबरकल, ये जो एंटेरियर साइड पर दिखाई दे रहा है ये लेदर ट्यूबरकल और ये लेटरल साइड पर दिखाई दे रहा है ये क्या है ग्रेटर ट्यूबरकल। और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर ये जो ग्रू नजर आ रही है नाली नजर आ रही है ये क्या होती है इंटर ट्यूबरकल सर्कस होती है। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं साफ्ट। तो देखिए मैंने आपको बताया था साफ्ट जो होता है इसका अपर हाफ जो होता है कैसा होता है राउंडेड होता है, देखिए अपर हाफ राउंडेड होता है और इसका जो लोअर हाफ जो होता है लोअर हाफ जो होता है ये क्या होता है ट्रेंगुलर होता है। तो अपर हाफ राउंडेड और लोअर हाफ ट्रेंगुलर, देखना आप एक बार लेब में जाकर, ठीक है एनाटॉमी लेब में जाकर, तो आपको ह्यूमरस बोन को उठाना तो आपको देखना साफ्ट को फिल करके तो इसका जो अपर हाफ है आपको राउंडेड नजर आएगा और नीचे नीचे आप जैसे आएंगे तो इसका जो लोअर हाफ है आपको कैसा नजर आएगा ट्रेंगुलर नजर आएगा। ठीक, उसके बाद हम बॉर्डर की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था तीन बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं, कौन से बॉर्डर देखिए एक बार फिर बता देता हूँ, ये एंटेरियर बॉर्डर है ना, उसके बाद ये मीडियल बॉर्डर, उसके बाद ये लेटरल बॉर्डर, ये क्या है लेटरल बॉर्डर। ठीक, चलिए हालांकि इसमें नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन मैं आपको अलग से इस तरह से क्या आपको पूरा फोकस करके एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके दिमाग में फिक्स बैठ जाए। ठीक, चलिए तो इंटेरियर बॉर्डर लेटरल बॉर्डर और मिडिल बॉर्डर। उसके बाद हम बात करते हैं लोअर एंड, तो लोअर एंड की बात करते हैं तो लोअर एंड में दो पार्ट मैंने आपको बताए थे एक आर्टिकुलर पार्ट और एक नॉन आर्टिकुलर पार्ट। ठीक, आर्टिकुलर पार्ट की बात करते हैं इसमें आपको क्या बताया था ये जो राउंडेड नजर आ रहा है ये क्या है कैपिटुलम है ना, और ये जो पुली शेप का नजर आ रहा है ये क्या है ट्रोकलिया है। उसके बाद नॉन आर्टिकुलर पार्ट मैंने क्या बताया था जो पोस्टियर साइड पर आपको एक गड्ढा नजर आ रहा है डिप्रेशन नजर आ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं ओली क्रेनन फोसा। फिर उसके बाद ट्रोक्लिया के जस्ट ऊपर आपको एक डिप्रेशन नजर आ रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं कोरोनोइड फोसा। कैपिटुलम के जस्ट ऊपर आपको एक डिप्रेशन नजर आ रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं रेडियल फोसा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर और हम बात करते हैं नॉन आर्टिकुलर पार्ट में तो क्या हो जाएगा ये लेटरल एपिकोंडाइल, ये क्या हो लेटरल एपिकोंडाइल। ठीक, और इधर जो है ब्लंट, ये ब्लंट प्रोजेक्शन होता है और ये क्या होता है आपका शार्प प्रोजेक्शन होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये मिडियल एपिकोंडाइल, ये लेटरल एपिकोंडाइल, और लेटरल एपिकोंडाइल के जस्ट ऊपर आपको शार्प रिच दिखाई देती है। ठीक है, शार्प प्रोमिनेंट रिच जिसे हम क्या बोलते हैं लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर है तो लेटरल सुपरा एपिकोंडाइलर रिच, और मिडियल के जस्ट ऊपर भी आपको एक शार्प प्रोमिनेंट रिच नजर आता है जिसे हम क्या बोलते हैं मिडियल साइड पर है तो क्या जाएगा मिडियल, है ना एपिकोंडाइल, मिडियल एपिकोंडाइल के ऊपर है तो क्या जाएगा मिडियल सुपरा एपिकोंडाइलर रिज। ठीक, चलिए तो इस तरह से यहाँ पर आपको क्या नजर आते हैं दो आर्टिकुलर पार्ट कैपिटुलम और ट्रोक्लिया और बाकी नॉन आर्टिकुलर पार्ट जिसमें क्या जाएगा मिडियल एपिकोंडाइल लेटरल एपिकोंडाइल फिर लेटरल सुपरा कोंडाइलर रिज फिर मिडियल सुपरा कोंडाइलर रिज उसके बाद कोरोनॉइड फोसा रेडियल फोसा और ओलीक्रेनन फोसा। ठीक है, तो आज तो हम क्या कर रहे हैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट प्रेजेंट होता है, फिर बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा कोरोनॉइड फोसा ओलीक्रेनन फोसा। अभी आप सिर्फ याद कर लीजिए कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, मैंने पूरी बोन को कवर कर दी है
20 मिनट का लेक्चर, अब दो चार मिनट का और लेक्चर खींचूंगा, क्योंकि देखो लेक्चर को बड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, है ना। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैंने पूरी बोन आपको बता दी है। मैंने आपको बताया अपर एंड साफ, लोअर एंड, अपर एंड में ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, हेड, इंटर ट्यूबरकल सल्कस, सर्जिकल नेक, मार्फोलॉजिकल नेक, एनाटोमिकल नेक। फिर मैंने बताया साफ्ट, साफ्ट में तीन बॉर्डर प्रेजेंट होती है, एंटेरियर बॉर्डर, मिडल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। तीन सर्फेस प्रेजेंट होती है यहाँ पर, एंटेरो लेटरल सर्फेस, एंटेरो मिडल सर्फेस और पोस्टेरियर सर्फेस। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या लोअर एंड, लोअर एंड में दो पार्ट, आर्टिकुलर पार्ट और नॉन आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर पार्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटुलम हो जाएगा और ट्रोक्लिया हो जाएगा। और नॉन आर्टिकुलर पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोस्टेरियर साइड पर ओलिक्रेनियन फोसा, फिर ट्रोक्लिया के जस्ट ऊपर आपको एक डिप्रेसर नजर आता है जिसे हम क्या बोलते हैं कोरोनॉइड फोसा, और कैपिटुलम के जस्ट ऊपर आपको एक डिप्रेसर नजर आता है जिसे हम क्या बोलते हैं रेडियल फोसा। उसके बाद लेटरल साइड पर आपको क्या दिखाई देती है, लेटरल एपिकोंडाइल। उसके बाद मिडल साइड पर आपको क्या दिखाई देता है, मिडल एपिकोंडाइल, और मिडल एपिकोंडाइल के जस्ट ऊपर आपको शार्प प्रोमिनेंट रिज नजर आती है जिसे हम क्या बोलते हैं मिडल सुप्रा एपिकोंडाइलर रिज, और लेटरल एपिकोंडाइल के जस्ट ऊपर आपको एक प्रोमिनेंट रिज नजर आती है जिसे हम क्या बोलते हैं लेटरल सुप्रा एपिकोंडाइलर रिज। तो इस तरह से आपको दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि ये सारे पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमरस बोन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। चलिए तो देखिए आप एक बार आपको डायग्राम बता देता हूँ, उसके बाद हम कल डिटेल में अपर एंड को देखेंगे, फिर साफ्ट को देखेंगे, फिर लोअर एंड को देखेंगे, और इसके मसल अटैचमेंट को देखेंगे, क्लिनिकल एनाटॉमिक को देखेंगे, और ह्यूमरस बोन कल आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक। चलिए तो आज क्या मैंने लेक्चर को थोड़ा स्लो रखा ताकि देखो पहला लेक्चर है और आपको मैं बता रहा कि किस तरह से आपको बोन को पढ़ना है, तो बोन को आपको इसी तरह से पढ़ना है, आपको बोन को लेना है, ठीक है। या तो आपको साथ में, अगर आपके पास बोन नहीं हो तो इस तरह से आप डायग्राम को लेके बैठिए और उसमें क्या क्या पार्ट है सबसे पहले उसे दिमाग में फिक्स कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से आप पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें याद रहेगी। अगर आप उसका डिटेल और पार्ट साथ में पढ़ते जाएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको बोन को देखिए, है ना। बोन नहीं है तो आप डायग्राम को देखिए और उसमें क्या क्या पार्ट प्रेजेंट है, अपर एंड में क्या प्रेजेंट है, साफ्ट में क्या प्रेजेंट है, लोअर एंड में क्या प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप स्टडी करेंगे तो आपको बोन जो रहेगी वो क्या रहेगी, मेमोराइज रहेगी, ठीक। चलिए देखिए अब मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ कैसे पढ़ना है। देखो तो मैंने आपको क्या बताया, ये आपको ह्यूमरस बोन दिखाई दे रही है ना। तो ह्यूमरस बोन में तीन पार्ट होते हैं, ये अपर एंड होता है ना, ये क्या होता है साफ्ट होता है, ये क्या होता है लोअर एंड होता है, ठीक। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि अपर एंड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो देखिए आप अपर एंड में ये हेड प्रेजेंट होता है ना। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर लेटरल साइड पर आपको ग्रेटर ट्यूबरकल दिखेगा, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर लेटरल साइड पर एंटेरियर साइड पर आपको लेजर ट्यूबरकल दिखेगा। इन दोनों के बीच में आपको एक नाली नजर आएगी, ग्रू नजर आएगी, बाइसिपिटल ग्रू जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंटर ट्यूबरकल सल्कस बोलते हैं, जो क्या करती है दोनों ट्यूबरकल को क्या करती है सेपरेट करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या नजर आता है एनाटोमिकल नेक, जो क्या करता है हेड को रेस्ट ऑफ द अपर एंड से क्या करती है सेपरेट करती है। उसके बाद क्या देखा हमने, उसके बाद हमने क्या देखा, ये देखिए ये सर्जिकल नेक नजर आती है। सर्जिकल नेक जो होती है, थोड़ा फोकस करके बताता हूँ, सर्जिकल नेक जो होती है वो क्या करती है पूरा जो अपर एंड है उसको साफ्ट से सेपरेट करती है। सर्जिकल नेक के जस्ट 0.5 सेंटीमीटर एबो आपको यहाँ पर मार्फोलॉजिकल नेक नजर आती है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, उसके बाद आपको साफ्ट नजर आता है। साफ्ट मैंने आपको बताया तीन बॉर्डर प्रेजेंट होती है, एक तो देखिए आप मीडियल बॉर्डर, दूसरा आप देखिए एंटेरियर बॉर्डर, और तीसरा आप देखिए लेटरल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर है। हाँ, और चीज़ आपको बता दूं कि ये देखो इस तरह से ये वाला जो पार्ट पोर्शन होता है नी कि हेड, जब आप क्या करोगे मैंने आपको बताया साइड डिटर्मिनेशन कैसे करना है, तो हेड को आपका क्या रखना है मीडियली रखना है, और लोअर एंड को आपको कहाँ रखना है ओलिक्रेनियन फोसा को आपको बैकवर्ड रखना है, तो आपको पता चल जाएगा किस साइड की बोन है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये वाला जो सामने वाला पोर्शन, इसको हम एंटेरियर व्यू बोलते हैं, इस बोन का ह्यूमरस का ही क्या है एंटेरियर व्यू है, और ये वाला जो क्या है पोस्टेरियर व्यू है, ठीक। तो ये आपको डायग्राम जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है जो मैं येलो से मार्क किया हूँ, ये क्या है एंटेरियर व्यू है ह्यूमरस बोन का, और ये जो क्या है पोस्टेरियर व्यू है, ठीक। चलिए तो देखिए आप तीन बॉर्डर दिखाई देती है, और यहाँ पर साफ्ट में तीन सरफेस, देखिए आप कौन कौन से तीन सरफेस, देखो ये एंटेरो लेटरल सरफेस है ना, ये देखिए एंटेरो मिडल सरफेस, फिर देखिए एंटेरो लेटरल सरफेस और पोस्टेरियर सरफेस, ये देखिए ये क्या है आपकी पोस्टेरियर सरफेस, ठीक। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये देखिए आप, उसके बाद लोअर एंड की बात करते हैं, तो लोअर एंड में दो पार्ट, आर्टिकुलर पार्ट और नॉन आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर पार्ट में देखो ये कैपिटुलम, ये राउंडेड होता है कैपिटुलम, उसके बाद पुली सेप का आपको नजर आता है यहाँ पर ट्रोक्लिया, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके नॉन आर्टिकुलर पार्ट की, तो देखिए आप यहाँ पर आपको एक देखो ये उभरा हुआ पोर्शन नजर आ रहा है लेटरल साइड पर, ये लेटरल साइड पर जिनका होते हैं लेटरल एपिकोंडाइल, और मिडल साइड पर भी क्या प्रेजेंट होता है मिडल एपिकोंडाइल, और मिडल एपिकोंडाइल के जस्ट ऊपर, ये जस्ट ऊपर
आपको क्या नजर आता है, मीडियल सुप्रा एपिकोंडाइलर रीसी है, प्रोमिनेंट होता है, मतलब आसानी से इसे फुल कर सकते हैं आप, शार्पेस्ट होता है। उसके बाद लेटरल एपिकोंडाइल है, इसके जस्ट ऊपर आपको क्या नजर आता है, ये देखिए ये क्या होता है, लेटरल सुप्रा एपिकोंडाइलर रिज। उसके बाद मैंने आपको बताया था ह्यूमरस बोन की पोस्टेरियर साइड पर लोअर एंड पर आपको क्या नजर आता है, ओलिक्रिनन फोसा। ये मैंने जो येलो से मार्क किया है ये क्या है आपका, ओलिक्रिनन फोसा है। उसके बाद अगर हम एंटेरियर साइड की बात करते हैं तो दो फोसा नजर आते हैं, एक तो कोरोनाइड फोसा, ये क्या आपका कोरोनाइड फोसा, और दूसरा रेडियल फोसा। तो कैपिटलम के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, रेडियल फोसा, और टोक्लिया के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, कोरोनाइड फोसा प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर इस बोन का, कौन सी बोन का, ह्यूमरस बोन का जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। अब कल हम डिटेल में अपर एंड को देख लेंगे, है ना, अब और फिर साफ्ट को देख लेंगे, फिर लोअर एंड को देख लेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है, और आज के इस लेक्चर को देखने के बाद आपको पता हो जाना चाहिए कि ह्यूमरस बोन में कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, कल हम डिटेल में देखेंगे, तो कल आपका फिर से क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद हम इसके करेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे, और फिर मसल अटैचमेंट का अलग से वीडियो बना दूंगा। मतलब कल तो हम क्या करेंगे, डिटेल में तीनों पोर्शन को देख लेंगे, उसके बाद एक और वीडियो आ जाएगी इसके मसल अटैचमेंट की, इसमें कौन कौन सी मसल अटैच होती है इससे, है ना, किस मसल का इंसर्शन होता है, किस मसल का इस बोन से ओरिजिन होता है, तो वो मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। तो इस तरह से हालांकि मैं दो लेक्चर में सारी बोन को कवर करूंगा, लेकिन चूंकि ये क्या था अपना पहला लेक्चर था, तो इसलिए मैंने थोड़ा लेक्चर को स्लो किया ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है आपको, आपको क्या करना है, सबसे पहले कौन सी बोन है, इसका साइड डिटर्मिनेशन, और इसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं वो ऊपर ऊपर पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया अपर एंड में क्या प्रेजेंट होता है, साफ्ट में क्या प्रेजेंट होता है, लोअर एंड में क्या प्रेजेंट होता है। इस तरह से आप कर लेंगे ना, तो आपको क्या हो जाएगी, सारे जो बोन है वो क्या लगेगी, आसान लगेगी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आपको क्या करना है, इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, मतलब अलग अलग पार्ट का डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी और मसल अटैचमेंट। इस तरह से आपको हर एक बोन को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और इसके नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल @ayurvedawings, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी आगे की जो आने वाली सीरीज है ऑस्ट्रोलॉजी की, वो कहाँ पर आने वाली है, मेरे अनदर यूट्यूब चैनल @ayurvedawings, तो उसे आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।